हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला कि कैसे आप प्राइम ओएस को अपने कंप्यूटर से कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना जो हार्ड ड्राइव का पार्टीशन है वो वापस उस हार्ड ड्राइव पर जोड़ सकते हैं और अपना जो कंप्यूटर का बूट या फिर बायोस से टोटली फिनिक्स ओएस या फिर प्राइम ओएस को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आप ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, अगर आपने एक स्टेप गलत कर दिया तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम अनिलेश, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स गेट इनटू इट। ओके दोस्तों, प्राइम ओएस को पहले अनइंस्टॉल करने के लिए आपको देखना होगा कि प्राइम ओएस किस पर इंस्टॉल है। तो मेरे लैपटॉप पर प्राइम ओएस एच ड्राइव पर इंस्टॉल है, ये आपका लैपटॉप पर किसी भी ड्राइव पे हो सकती है। तो मेरा एच पे है, तो इसको डिलीट करने के लिए सिंपली जो दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर है उस पर राइट क्लिक करके जाइए मैनेज पर। मैनेज पर जाने के बाद आपको जाना होगा डिस्क मैनेजमेंट पर, आप नीचे देख सकते हैं इस कॉर्नर पर है डिस्क मैनेजमेंट, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर है एच, जिस पे मेरा प्राइम ओएस इंस्टॉल है। तो इसको डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद करेंगे डिलीट वॉल्यूम, उसके बाद करेंगे यस। ओके, तो यस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम अभी डिलीट हो चुका है, पर अभी ये जो 10 GB का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हम वापस जुड़ेंगे अपने हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में जहाँ से ये स्प्लिट होकर अलग हुए थे। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे मेरे अपने ड्राइव पर, तो मैं इस ड्राइव पर इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो पहले उस ड्राइव पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे एक्सटेंड वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर इसको करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा 10 GB का पार्टीशन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आ चुका है इसलिए मैं इसको करूँगा नेक्स्ट, उसके बाद करूँगा फिनिश। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं जो पार्टीशन है वो टोटली जुड़ गया है मेरा दूसरा ड्राइव पर, पहले जैसा था वैसे ही हो गया है। तो यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पर्सनल डाटा जो डी ड्राइव है उस पर जुड़ गया है। ओके दोस्तों, तो हमने पार्टीशन से प्राइम ओएस को डिलीट कर दिया है, अभी इसको बूट से टोटली क्लीन करेंगे। तो हम इसको क्लीन करने के लिए हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाइए, सर्च कीजिए CMD और उसके बाद जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा डिस्क पार्ट, और अभी जो सारे कमेंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, अगर आपको स्पेलिंग में कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो आप चेक कर लीजिए। तो हम सबसे पहले टाइप करेंगे डिस्क पार्ट, उसके बाद दबाएंगे एंटर, उसके बाद करेंगे इसको यस। ओके, तो अभी डिस्क पार्ट का एक विंडो ओपन हो गया है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे लिस्ट डिस्क स्पेस देकर। ओके, टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना जो हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो मेरा जो हार्ड ड्राइव है वो 1 TB का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है डिस्क 0। तो यहाँ पर हम ये जो डिस्क है इसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए टाइप करेंगे सिलेक्ट स्पेस देकर डिस्क, उसके बाद दबाएंगे 0, क्योंकि मेरा ये जो डिस्क है ये 0 पर है, उसके बाद करेंगे एंटर। तो ये अभी डिस्क 0 सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद टाइप करेंगे लिस्ट पार्टीशन, उसके बाद दबाएंगे एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा जो सिस्टम वाला पार्टीशन है। ये नॉर्मली आपका पार्टीशन किसी पे भी हो सकता है, तो मेरा यहाँ पर पार्टीशन 2 पे है, यहाँ पर सिस्टम पार्टीशन 2 पे है, इसलिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा सिलेक्ट पार्टीशन 2। ये अगर आपका सिस्टम पार्टीशन 3, 4, 5, 6 जो जिसमें भी हुआ तो आपको उसको टाइप करना होगा, मेरे यहाँ पर 2 है इसलिए मैं 2 टाइप कर रहा हूँ। तो हम लोग टाइप करेंगे सिलेक्ट पार्टीशन 2, क्योंकि मेरा सिस्टम पार्टीशन 2 पे है, उसके बाद दबाएंगे एंटर। ओके, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि पार्टीशन 2 अभी सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम टाइप करेंगे असाइन लेटर इक्वल टू x, तो ASSIGN असाइन स्पेस देकर लेटर इक्वल टू x, उसके बाद दबाएंगे एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क पार्ट सक्सेसफुली असाइन द ड्राइव लेटर माउस पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक x नाम का पार्टीशन आ गया है। नॉर्मली यहाँ पर मैंने x टाइप किया क्योंकि मेरा x नाम का कोई पार्टीशन पहले से नहीं था। अगर आपका x नाम का कोई पार्टीशन ऑलरेडी है तो आप कोई दूसरा लेटर टाइप कीजिए। तो ये जो पार्टीशन है आप डरिए मत, अगर आप रिबूट करेंगे तो ये पार्टीशन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर जो काम है वो हो चुका है, इसको करते हैं एग्जिट, इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद एक छोटा सा स्टेप है, फिर से आपको जाना होगा, सर्च करना होगा CMD। अभी यहाँ पर जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको रन करना होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से, ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका कोई भी कमांड काम नहीं करेगा।
ओके, तो इसको ऑन करते हैं और देते हैं यस। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा एक्स कोलन, इस तरह का आपका लेटर टाइप करना होगा, उसके बाद करना होगा एंटर। उसके बाद आपको टाइप करना होगा डी आई आर, उसके बाद दबाना होगा एंटर। उसके बाद आपको टाइप करना होगा सी डी स्पेस ई एफ आई, उसके बाद दबाइए एंटर। उसके बाद फिर से टाइप कीजिए डी आई आर, उसके बाद दबाइए एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्राइम ओएस है वो है एंड्रॉयड वाला, और यहाँ पर फोनिक्स ओएस भी है। तो हम लोग डिलीट करेंगे प्राइम ओएस को, ये जो प्राइम ओएस है वो एंड्रॉयड वाला जो है ये है प्राइम ओएस। तो इसको डिलीट करने के लिए ये सिंपली यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे आर डी स्पेस, यहाँ पर जो एंड्रॉयड है सेम टू सेम यहाँ पर टाइप करेंगे ए एन डी आर ओ आई डी। ओके, उसके बाद देंगे स्पेस, उसके बाद स्लैश देन एस, उसके बाद दबाएंगे एंटर। उसके बाद यहाँ पर एक बार आपको शेयर करना होगा, तो क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा वाई, उसके बाद दबाएंगे एंटर। तो दोस्तों अभी जो प्राइम ओएस का पार्टीशन है ये कम्प्लीटली यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अब इसको करते हैं एग्जिट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे टेक्नोलॉजिकल वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड पीस।